हेलो प्यारे बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हम लोग कर रहे थे मोशन इन 2D, ठीक है। 2D डायमेंशनल मोशन में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, नीट के प्रीवियस ईयर के 31 ईयर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और पहला लेक्चर आप देखे होंगे, दूसरा भी देखो और जो आगे है और भी इसमें अगर होगा तो और भी लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, कहता है ये पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर, ये काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। एक पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, ठीक है, ये, और इस सर्कल का रेडियस जो है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है यार। तो 5 सेंटीमीटर है तो 5 × 10⁻²⁰ मीटर हो गया, ठीक है, सबको पता है। और टाइम पीरियड भी दिया हुआ, तो एक्सलेशन, अब देखो एक्सलेशन, पार्टिकल में सर्किल विथ कांस्टेंट स्पीड, आपको पता है सर्कुलर काइनेमेटिक्स अगर आप पढ़े होगे तो आपको ये बात पता होगा कि अगर पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है यार, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सलेशन होता है जो सेंटर की तरफ होता है, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू होती है, जो सेंटर की तरफ एक्सलेशन होता है, AC, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो, डायरेक्ट फार्मूला भेजता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2πt टाइम पीरियड, ठीक है, का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई रेडियस आर, ठीक है। अब सबकी वैल्यू डाल दो, ठीक है, वैल्यू डालोगे तो कितना होगा भाई, सॉल्व कर लो इसको, कर लोगे, कर दूं, ए 4πa² टाइम पीरियड 0.4πa², ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 0.04πa², ठीक है, और 5 × 10⁻², तो पाई स्क्वायर को 4 ने 4 को तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 × 10, 5 × 10⁻², तो 10⁻², मतलब 5 इसका सोल्यूशन सही है, ठीक है, मतलब डी ऑप्शन सही है, क्लियर है। चलो,